हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि इंडियन यूट्यूब चैनल। 12 सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अलग अलग पार्ट में पहले डाले हुए हैं, मैंने उनके वीडियो सॉल्यूशन, आप उनको चेक कर सकते हैं। साइन 4x इंटू साइन 8x का इंटीग्रेशन हमें करना है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी कि फाइनली एक कॉन्स्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का। तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे हो। साइन ए इंटू साइन बी से रिलेटेड एक आइडेंटिटी है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ध्यान रखना है। 2 लाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 साइन ए साइन बी की फॉर्म में अब ये कन्वर्ट हो गया, तो 2 साइन ए साइन बी में कन्वर्ट हो गया तो इसका फॉर्मूला वहां से यूज करेंगे, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये ए है हमारा 4x वाला और ये हमारा बी है, तो 4 में से 8 गया तो माइनस 4x, और 4 और 8 ऐड हो गया तो 12 आ जाएगा। तो कोस माइनस 4x माइनस कोस 12x, तो कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा के इक्वल होता ही है, तो कोस माइनस 4x की जगह हम कोस 4x पुट कर देंगे और कोस 12x एज इट इज रखेंगे। 1/2 हो गया। कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x, और ये कोफिशिएंट 4 है तो उससे डिवाइड भी होगा। कोस 12 का इंटीग्रेशन साइन 12x, और ये जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी होगा, और लास्ट में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप इसको ध्यान से देखें, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।